देवास में सीएमएचओ कार्यालय में हुए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के गबन मामले में दो डॉक्टर्स के साथ ही 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये गबन 5 साल के दौरान किया गया। इस मामले में 75 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जांच के घेरे में हैं। देवास के सीएमएचओ कार्यालय में हुए 1.25 करोड़ रुपए के गबन मामले में कोतवाली थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अतिरिक्त कलेक्टर अभिषेक शर्मा ने प्रकरण दर्ज करवाया है। मामले की जांच कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के मार्गदर्शन में की जा रही थी। एफआईआर में डॉक्टर एमपी शर्मा, प्रकाश साठे, पंकज गुर्जर, डॉक्टर विष्णुलता उइके, रवि वर्मा, अश्विन सूर्यवंशी, अंकिता घाड़गे, योगेश कहार, डॉक्टर कैलाश कल्याणे को आरोपी बनाया गया है। मामले में करीब 74 खातों में अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर कर फर्जीवाड़ा किया था। इस केस में 1.32 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अनियमित कुछ भुगतानों का मामला निकल कर आया था, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए के लगभग का अनियमित भुगतान जांच में पाया गया है। उसमें लगभग 76 के आसपास इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। और अभी हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक वसूली हो सके। लगभग 1.30 करोड़ के आसपास की वसूली इसमें हो चुकी है। थाना कोतवाली पर कलेक्टर महोदय के कार्यालय से एक जांच प्रतिवेदन एफआईआर पंजीबद्ध करने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि सीएमएचओ कार्यालय देवास पर लगभग 4.26 करोड़ का जो नगद जो पैसे का अंतरण है, वो लगभग 77 खातों में गलत तरीके से परिलक्षित हुआ है अंतरण होना। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। और आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।